am Dr. Paramita Basu from Key Art and Design. So, आज मैं फिक्सेटिव के बारे में बताने आ रही हूँ. फिक्सेटिव क्या है और फिक्सेटिव किस लिए यूज होता है. सो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि फिक्सेटिव है क्या. सो फिक्सेटिव एक्चुअली में जब हम चारकोल, ग्रेफाइट या सॉफ्ट पेस्टल से काम करते हैं तो वो काम को हमें प्रिजर्व करने के लिए और फिक्स करने के लिए हमें वो फिक्सेटिव की जरूरत पड़ती है. वो एक स्प्रे है तो आप कर सकते हो और उसको करने से आपका जो चारकोल या सॉफ्ट पेसल या ग्रेफाइट है वो बिल्कुल ही फिक्स हो जाएगा और आपका जो दूसरे पेपर में वो का जो कलर है वो बिल्कुल ही पास ऑन नहीं करेगा. तो वो इस वजह से हमें फिक्सेटिव यूज करना जरूरी है. स्पेशली हम जब सॉफ्ट पेसल यूज करते हैं तो हमारे को फिक्सेटिव और भी जरूरत होता है क्योंकि हम लेयर बाय लेयर काम करते हैं. तो हम लोग एक लेयर काम करने के बाद हमारा इम्पोर्टेंट होता है हमें फिक्स करना, उसके बाद ही हम सेकेंड लेयर काम कर सकते हैं. अगर हम फिक्स करते करते नहीं जाए तो वो प्रॉपरली हम उसको काम खत्म नहीं कर पाते. इसलिए सॉफ्ट पेसल में फिक्सेटिव ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जितना कि चारकोल या ग्रेफाइट में. चारकोल में हम एंड में फिक्सेटिव यूज करते हैं, ग्रेफाइट में भी हम एंड में यूज करते हैं. बट हम ग्रेफाइट का ऐसा काम है कि अगर चाहे तो आप ना भी फिक्सेटिव यूज करो तो चलता है, पर चारकोल में और सॉफ्ट पेसल में विदाउट फिक्सेटिव बिल्कुल नहीं चलता है. तो फिक्सेटिव कैसे यूज और कौन से कंपनी अच्छे हैं फिक्सेटिव के वो मैं आज अभी बताऊंगी. सबसे इम्पोर्टेंट है कि फिक्सेटिव जो होता है वो एक एडहेसिव टाइप होता है क्योंकि उसके अंदर एक गम टाइप का होता है जिसमें वो चिपक जाए. तो इस वजह से फिक्सेटिव जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. अदरवाइज आप अगर वो अच्छी तरह से नहीं है तो वो वाली कंपनी का जो फिक्सेटिव है अगर आप यूज कर रहे हो और वो अच्छा नहीं है तो वो प्रॉब्लम कर सकता है. सो इस वजह से हम लोग वो स्पेसिफिकली मैंने देखे हैं, जैसे अभी जो इंडियन लोकल ब्रांड्स के फिक्सेटिव है वो मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते बिकॉज जब भी आप उससे फिक्स करने जाओ तो वो पूरा एक लेयर खा जाता है और वो उड़ जाता है या पता नहीं क्या होता है कि वो बिल्कुल अच्छे से नहीं आता. तो इस वजह से ट्राई करना कि आप जो अब्रॉड के ब्रांड्स हैं जैसे कि ये वाला है या विंसेंट न्यूटन है या रॉनी है इनके फिक्सेटिव यूज करें. बट यस, ये फिक्सेटिव बहुत महंगे होते हैं. ये 1000 रुपीज के एक ऐसा बॉटल आता है या उससे भी महंगे आ सकते हैं. इस वजह से इसका एक ऑल्टरनेटिव है हेयर स्प्रे. हेयर स्प्रे मैं सब बोलेंगे मैम क्या बोल रही है, हेयर स्प्रे करा रही है. तो हेयर स्प्रे भी बहुत फिक्स करने के ही काम आता है क्योंकि हेयर स्प्रे में भी एक एडहेसिव होता है. बट इट इज बेटर देन जो कंपनी वाले इंडियन के ब्रांड्स हैं तो उससे बेटर है ये. स्पेसिफिकली ये नोवा वाला जो ब्रांड है इसके जो हेयर स्प्रे ये सब बहुत अच्छी तरह से होता है. और ये सारे जितने भी मैंने ब्रांड आप है जो यूज कर सकते हो जो बहुत अच्छे हैं उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप जरूर वहां से जाके बाय कर सकते हैं. तो ये जो हेयर स्प्रे है ये बहुत अच्छा है और आप वैसे तो कोई भी ब्रांड का हेयर स्प्रे आप यूज कर सकते हो बट स्पेसिफिकली मैंने ये नोवा यूज किया है बहुत टाइम पे क्योंकि इसका इतना कॉस्ट नहीं होता है और आप इसको यूज करोगे तो वो बहुत अच्छी तरह से फिक्स होता है और इस वजह से ये हेयर स्प्रे बहुत अच्छा है फिक्सेटिव के तरह यूज करने के लिए. उसके अलावा आप जब फिक्सेटिव यूज करते हो तो एक चीज प्रिकॉशन रखना जरूरी है क्योंकि इसके फ्यूम्स होते हैं तो आपके नोज में अंदर जा सकते हैं. तो जब भी आप फिक्सेटिव यूज करो तो आप मास्क लगा के यूज करो. नॉर्मली आजकल तो सबके पास मास्क होता ही है तो आप मास्क लगा लीजिए और फिर उसके बाद फिक्सेटिव यूज कीजिए. नहीं तो एक कपड़ा अपने मुंह में रखिए और फिर आप फिक्सेटिव यूज कीजिए तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहता है. और याद रखिएगा कि थोड़ी सी खुली जगह या जैसे आउटडोर जाके या बाहर निकल के जहां पर थोड़ा एयर बंद रूम में फिक्सेटिव ना यूज करके एक खुली जगह में जाके आप फिक्सेटिव यूज कीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है बिकॉज वो अगर आपने रूम में यूज किया तो वो फ्यूम बहुत देर तक आपके रूम में रह जाता है और वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. इसलिए बाहर जाके ही जो एकदम एयर में आप डालिए तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. उसके अलावा भी जब हम फिक्सेटिव यूज करते हैं तो सामने से नहीं करना चाहिए नहीं तो वो बेसिकली आप देखिएगा वो बिल्कुल ही अच्छी तरह से नहीं हो रहा, वो खराब हो जा रहा है. तो एक स्टैंडर्ड साइज मतलब जैसे मेंटेन करके ऐसे और 45 डिग्री एंगल में आपको स्प्रे करना चाहिए और बिल्कुल एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके आप फिक्स करिएगा तो और अच्छे तरह से. और एज टू एज फिक्स करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि कहीं ऊपर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कर दिया फिर उसके बाद साइड साइड में नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है. तो फिक्स अच्छी तरह से
नहीं होगा, इसलिए अच्छी तरह से आपको फिक्सेटिव यूज करना चाहिए। सो ये फिक्सेटिव एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिक्स करने के लिए चाहिए, और आप लोगों को ये वाले जो डायरेक्शंस हैं कैसे आपको फिक्स करना है या आपको कहाँ जाके करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग बताते नहीं है, और बहुत इवन आप कहीं से भी सीख रहे हो क्या कर रहे हो वो भी नहीं बताएगा कि आपको एक्चुअली फिक्सेटिव आपके हेल्थ के लिए कितना खराब है, क्योंकि फ्यूम्स निकलते हैं। तो आपको जरूर आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए फिक्सेटिव यूज करने के लिए, मास्क जरूर लगाना, विदाउट मास्क आपको फिक्सेटिव यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्प्रे है और स्प्रे अंदर अंदर से इनहेल हो जाएगा तो अजीब सा भी लगता है। मैंने बहुत बार करा है तो मुझे पता है कि वो पूरा यहाँ पर जलन होने लगता है, इसलिए जरूर मास्क लगाइएगा। तो अगर आपको और कुछ भी जानना है फिक्सेटिव के बारे में या हमारे क्लासेस के बारे में, आप हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास आप कहीं से भी ले सकते हो, हम जूम से लेते हैं, और उस ऑफलाइन क्लास जो है वो हम GK2 में लेते हैं। तो आप दिल्ली या दिल्ली के NCR के अंदर हो तो आप हमारे यहाँ पर आके क्लास ले सकते हो। किसी को भी और कुछ भी जानना है क्या एंट्रेंस के लिए, या आपको कोई काउंसलिंग चाहिए, या आपको और कुछ किसी भी मीडियम्स के लिए ऊपर जानना है, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैं काउंसलिंग भी, वन काउंसलिंग आपकी फ्री है, सो आप वो भी आप ले सकते हो। उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप मैसेज करना, अपना नाम और स्टेट लिखना ना भूलिएगा, फिर आप जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, और फिर उसके बाद मैं आपको जरूर आंसर करूंगी, एंड आपको सारे जो भी डिटेल आपको चाहिए मैं उसको प्रोवाइड करूंगी। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में है डू सब्सक्राइब अस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर टुडे।